दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। बॉलीवुड के खिलाड़ी सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक्शन पैक्ड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने पहले दिन दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ये फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और फिल्म भी जबरदस्त है, जिसके चलते ही ये मूवी दूसरे दिन भी दुनिया भर में कर चुकी है शानदार कमाई। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बड़े मियां छोटे मियां के दो दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, वही अजय देवगन की फिल्म मैदान के भी दो दिनों के कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन दोनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के बड़े मियां छोटे मियां और अजय देवगन के मैदान में आपको कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट लगी। तो दोस्तों, एक्शन पैक्ड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां जो कि बॉलीवुड में इस साल जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है उन सबसे महंगी फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म का बजट है 300 करोड़ रुपए। अब इस फिल्म में हमें दो दो हीरो देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ खिलाड़ी अक्षय कुमार और दूसरी तरफ बागी टाइगर श्रॉफ। अब इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए सिनेमा घर में पहले दिन तो पब्लिक अच्छी खासी भीड़ में पहुंच गई और जब लोगों ने फिल्म देखकर बाहर निकले तो सभी ने फिल्म की जमकर तारीफ की और हर किसी का कहना है कि ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म है, जिस फिल्म में शानदार कहानी है, बढ़िया एक्शन है, दमदार डायलॉग से साथ ही साथ कॉमेडी का तड़का भी बराबर फिल्म में देखने को मिला है, जिसके चलते ही दोस्तों ये मूवी मास ऑडियंस को तो अच्छी खासी पसंद आई, साथ ही साथ इस फिल्म को क्लास ऑडियंस ने भी पसंद किया है। हालांकि ईद के दिन जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तो इस फिल्म के सामने अजय देवगन की फिल्म मैदान भी रिलीज हुई और इस फिल्म को स्क्रीन्स थोड़ी कम मिली थी, लेकिन दोस्तों कम स्क्रीन पर भी फिल्म ने पहले दिन अच्छी खासी कमाई की है। हालांकि बात करें यहां पर बड़े मियां छोटे मियां के दो दिनों के कलेक्शन के बारे में, उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं अजय देवगन की फिल्म मैदान और पिछले दो हफ्तों से चलती आ रही बॉलीवुड की फिल्म क्रू के भी अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें दो हफ्ते पहले रिलीज हुई बॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा फिल्म क्रू के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिली थी तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा का भी एक केमियो था। 50 करोड़ के बजट में बनी क्रू फिल्म को सिनेमाघरों में अब हो चुके हैं 15 दिन और आपको बता दें दोस्तों फिल्म ने 15 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई कर ली और यह फिल्म सिनेमाघरों में चलते चलते हो चुकी है सुपर डुपर हिट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि क्रू फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी कि 7 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन 47 करोड़ 54 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में इंडिया नेट कलेक्शन 22 करोड़ 16 लाख रुपए का किया। अब इस फिल्म का तीसरा हफ्ता सिनेमाघरों में शुरू हो चुका है, लेकिन आप सब जानते हैं कि तीसरे हफ्ते में बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान दो बड़ी फिल्में रिलीज हो गई, जिसके चलते क्रू के पास अब स्क्रीन काफी कम बची है। लेकिन दोस्तों ये फिल्म कम स्क्रीन पर भी अपने तीसरे शुक्रवार यानी कि 15वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों क्रू फिल्म का शुरुआती 15 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 71 करोड़ 50 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 85 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 40 करोड़ रुपए टोटल अब तक कमाए हैं और इसी के साथ दोस्तों क्रू का शुरुआती 15 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 125 करोड़ रुपए हो चुका है। जी हां दोस्तों, फिल्म का बजट है 50 करोड़ रुपए और फिल्म दुनिया भर में 125 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल चुका है सुपर हिट का टैग। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन के स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मैदान के बारे में, जिस फिल्म में उनके साथ में हमें देखने को मिल रही है प्रिया मणि, गजराज राव। बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर अजय देवगन की फिल्म मैदान को पब्लिक की तरफ से जो रिव्यूज मिले हैं वो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म काफी जबरदस्त है और मैं भी इस फिल्म को देखने के बाद यही कहूंगा कि यह फिल्म अजय देवगन के करियर के अब तक की बेस्ट फिल्म साबित हो चुकी है। तो दोस्तों एक शानदार फिल्म होने की वजह से यहां पर पब्लिक का प्यार मैदान फिल्म को जमकर मिल रहा है, लेकिन फिल्म के जो कलेक्शन है वो यहां पर बड़े मियां छोटे मियां के कंपटीशन की वजह से उतने ज्यादा नहीं रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई और दोनों के बीच में स्क्रीन्स बढ़ गई, जिसके चलते ही यहां पर मैदान के कलेक्शन भी उतने ज्यादा पहले दिन
नहीं रहे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अच्छी है, लोगों को फिल्म का सपोर्ट मिल चुका है, इसी के चलते ये फिल्म पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग ले चुकी थी, लेकिन दूसरे दिन भी इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पर होल्ड है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ पर मैदान के दो दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ऑफिशियली तो 11 अप्रैल यानी कि कल रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म के एक दिन पहले यानी कि 10 अप्रैल को पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे, जहां पर फिल्म ने पेड प्रीव्यू शो से इंडिया नेट कलेक्शन 2,80,00,000 रुपए का किया था। अब आपको बता दें दोस्तों यहां पर उम्मीद की जा रही थी कि यह फिल्म अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 7-8 करोड़ रुपए का करेगी, लेकिन फिल्म का जो फर्स्ट डे का इंडिया नेट कलेक्शन है वो 6,50,00,000 रुपए का रहा। अब बात करें इस फिल्म के आज यानी कि सेकंड डे के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो आज ओकेपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले 12-13% ड्रॉप हो चुकी है। और वैसे भी दोस्तों कल ईद थी और आज है नॉर्मल वर्किंग डे, जिसके चलते फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन एक हल्का सा ड्रॉप आ चुका है और मैदान फिल्म अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 5.5 करोड़ की रेंज में कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों मैदान का दो दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 14,80,00,000 रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 17,60,00,000 रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से अभी तक 6,90,00,000 रुपए की कमाई कर ली है। और इसी के साथ दोस्तों मैदान फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 24,50,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म दो दिनों में दुनिया भर से टोटल ग्रोस कलेक्शन 24,50,00,000 रुपए की रेंज में कर रही है। अब दोस्तों कल है सैटरडे और परसों है संडे, तो पूरी उम्मीदें हैं कि आने वाले दो दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जिस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुषी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और पृथ्वीराज सुकुमारन हमें देखने को मिल रहे हैं। 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को भी पब्लिक की तरफ से अच्छा खासा प्यार मिल चुका है और इस फिल्म के जितने भी पब्लिक रिव्यूज है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे यूट्यूबर्स और कुछ ऐसे सस्ते क्रिटिक्स है जिन्होंने फिल्म अच्छी होने के बावजूद भी इसके भर भर के नेगेटिविटी की है। शायद उन लोगों को पैसा चाहिए था और यहाँ पर बड़े मियां छोटे मियां के मेकर्स ने उन लोगों को पैसा नहीं दिया, जिसके चलते ही लोग अच्छी फिल्म की भी बुराई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि क्रिटिक्स के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस को यह फिल्म पसंद आ चुकी है और यह मूवी आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर काफी दिनों तक चलेगी और इस फिल्म का फाइनल कलेक्शन सबका मुंह बंद कर देगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जब ईद के मौके पर यानी कि 10 अप्रैल को रिलीज किया गया था तो फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन काफी अच्छा आता, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जब पहले दिन यानी कि 11 अप्रैल को रिलीज हुई, जब इस फिल्म के मॉर्निंग वाले शोज कई जगह पर कैंसिल हो गए, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स इसकी जो हार्ड डिस्क है वही सिनेमा घर तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके चलते ही इस फिल्म के जो पहले दिन के जो मॉर्निंग वाले शोज है कहीं पर 1 घंटे लेट हुए, कहीं पर 2 घंटे और कहीं कहीं पर तो फिल्म के शोज को ही कैंसिल करना पड़ा, जिसके चलते दोस्तों फिल्म के फर्स्ट डे के कलेक्शन में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। अगर फिल्म के फर्स्ट डे के शोज सही टाइम पे शुरू हो जाते तो यह फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कमाई कर जाती। हालांकि दोस्तों फिर भी फिल्म ने पहले दिन अच्छी खासी कमाई की और दूसरे दिन के कलेक्शन में भी एक अच्छा खासा होल्ड देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें बड़े मियां छोटे मियां के दो दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने पहले दिन इंडिया से कलेक्शन 17,35,00,000 रुपए का किया। वही बात करें सेकंड डे के कलेक्शन की, तो दोस्तों यहां पर फिल्म को जो सेकंड डे ऑक्युपेंसी देखने को मिली है वो पहले दिन के मुकाबले कम से कम 15% ड्रॉप हो चुकी है, जो कि कायदे से सही भी है, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि पहले दिन ईद की छुट्टी थी और आज दूसरे दिन एक नॉर्मल वर्किंग डे है, जिसके चलते ऑक्युपेंसी में गिरावट कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब यह फिल्म कल और परसों बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा जंप दिखाएगी। हालांकि दोस्तों जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां फिल्म अपने दूसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 13,50,00,000 रुपए का। और इसी के साथ दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां का शुरुआती दो दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 30,85,00,000 रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 36,71,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म का दो दिनों का जो ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 9,42,00,000 रुपए के रेंज में हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 46,13,00,000 रुपए हो चुका है। जी हां दोस्तों, फिल्म दो दिनों में दुनिया भर से 46,13,00,000 रुपए की
कमाई कर चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कल सैटरडे और परसों संडे है, तो इस फिल्म के कलेक्शन में आने वाले दो दिनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देखते हैं ये है कि ये फिल्म मंडे के बाद बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि इस फिल्म का जो फाइनल और लाइफ टाइम कलेक्शन है वो आखिर कहाँ तक जाता है। वैसे दोस्तों, इस हफ्ते रिलीज हुई बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान, अगर आपने दोनों ही फिल्में देखी तो इसमें से आपको बेस्ट फिल्म कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।